उसी के हाथ में एयरफोर्स, उसी के हाथ में नेवी और उसी के हाथ में थल, तो वो कांड वो भी हो सकता है जो सूडान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो गया। बड़ी विकट समस्या हमारे पास ये आ गई कि हम सीडीएस बनाए कि नहीं बना पाए। सीडीएस बनाना जरूरी है, लेकिन उसका रिएक्शन अगर गड़बड़ हुआ ना, लेकिन हमारे यहाँ डर इस बात का था कि नए नए लोकतंत्र में समस्या आती है लोकतंत्र के बिखरने का। जैसे सूडान बिखर गया, लोकतंत्र हुआ संभला ही नहीं, लीबिया संभला ही नहीं, पाकिस्तान लोकतंत्र हुआ संभला ही नहीं, वहाँ आज भी 80% प्रशासन आर्मी देखती है। तो हम लोग को बैलेंस लेके चलना था, तो इसलिए क्या किया गया ना, एक राष्ट्रपति बना दिया गया और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष किसको दे दिया गया, राष्ट्र किसको, राष्ट्र सेना का डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कंट्रोल है खत्म। प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है, राजनीतिक पावर है, विकासात्मक काम देखता है, सेना को मतलब ही नहीं है। राष्ट्रपति रायसीना की पहाड़ी पर, राष्ट्राध्यक्ष है ना, शासन देखते हैं ना, राजनीति देखते हैं ना, आपका कोई मीडिया उड़िया देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, पूरे प्रोफेशनल अधिकारी की तरह बैठे रहते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इनके नीचे रखा गया रक्षा मंत्री को, वो भी तीनों सेनाओं के सबसे ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, उनके ऊपर है सीडीएस। देखिए सीडीएस बनाने में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, पाकिस्तान, हमारे पास भी शुरू में सीडीएस थे और पाकिस्तान में भी थे, उस समय का सीडीएस ज्यादा पावरफुल था, वो तीनों सेनाओं का हेड होता था, उसी के हाथ में एयरफोर्स, उसी के हाथ में नेवी और उसी के हाथ में थल, तो वो कांड वो भी हो सकता है जो सूडान में हो रहा है, पूरी तीनों सेनाओं पास में, पाकिस्तान में हो गया। जैसे देश आजाद हुआ सब कब्जिया किया, अयूब खान कब्जा लिए, समझ में आ गया कि नहीं, इधर नेहरू राजनीति देख रहे हैं, उधर वो कब्जा लिए, अयूब खान, यहिया खान, भुट्टो, ये लोग जरदा बहुते लोग आए चल गए लोग यहाँ, देखिए बेनजीर भुट्टो की तो गोली मार के हत्या होता। खैर हमारे देश में भी दो प्रधानमंत्री को मार दिया गया, तो इस मामले में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों लोग में कोई वो है। तो हम लोग के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी अपनी सेना अगर कुछ कर दी तो फिर किससे कहने जाएंगे, इसलिए सीडीएस को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। थल सेना अलग, वायुसेना अलग, नौसेना, इन तीनों के ऊपर रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर राष्ट्र, तो इतना ना दूर कर दिया गया कि मिलावटें नहीं है यहाँ पर। लेकिन कमी कहीं बर्दाश्त देखा गया, जैसे कारगिल की लड़ाई में एयरफोर्स की जरूरत है, आर्मी को पता नहीं है एयरफोर्स, गोली चल रही है धड़ाधड़, उनको पता ही नहीं है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि भैया आपके सपोर्ट में एयरफोर्स भी आएगी, क्योंकि एयरफोर्स सेपरेटली मार रही है, जो मिल गया मार दी। जबकि पहाड़ की जो चोटियां थी कारगिल में, ये एकदम दुर्गम पहाड़ थी, यहां फौज खड़ी हो गई है और ऊपर से हैवी फायरिंग आ रही है, यहां से हैवी तोप का गोला, अब ये लोग झेल रहे हैं लोग, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन रहता ना तो एयरफोर्स को कहते लोग कि आइए तो थोड़ा, अब एयरफोर्स यहां से आती धड़धड़ा के वहां पे गिरा देती। तो कारगिल की लड़ाई में इसका बड़ी फेस किया गया, तो बड़ी विकट समस्या हमारे पास ये आ गई कि हम सीडीएस बनाए कि नहीं बना पाए। सीडीएस बनाना जरूरी है, लेकिन उसका रिएक्शन अगर गड़बड़ हुआ ना, तो फिर देश चल जाएगा तानाशाही में, क्योंकि उनके लिए संविधान उम्मीदान कुछ नहीं, कौन चीज लड़ लीजिएगा, गांव में एगो दरोगा मन भरा जाएगा तो लड़िए नहीं पाइएगा, सेना प्रमुख से लड़ पाएंगे। बहुत गहन मंथन हुआ, तब बिपिन रावत साहब को दिया गया तीनों सेनाओं के ऊपर। अब ऐसा किया गया, देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एयरफोर्स इसके कौन होते हैं, हेड जनरल, ये सारे डिसीजन लेंगे। नेवी के कौन होते हैं, एडमिरल, एडमिरल होते हैं, ये सारे डिसीजन लेंगे। एयर चीफ कौन होते हैं, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, सारे डिसीजन यही लेंगे। एयरफोर्स में अल्टीमेट, आर्मी में अल्टीमेट पावर जनरल, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया ना सीडीएस, इनको कहा गया कि आप इन तीनों के ऊपर हैं, लेकिन एडवाइस दीजिएगा, बस क्या दीजिएगा, एडवाइस, एडवाइस दीजिएगा, आप मैंडेटरी नहीं है आपका बात मानना, क्या है, सलाह। तो वहां पर क्या है, एक फायदा है कि कारगिल की लड़ाई में अगर आर्मी को चाहिए सपोर्ट, या किसी लड़ाई में आर्मी को चाहिए एयर सपोर्ट, तो ये जनरल, जनरल को पता है कि एयर सपोर्ट चाहिए, जनरल किसे बोलेंगे, सीडीएस, सीडीएस एयर चीफ, एयर चीफ मार्शल अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, राफेल लिया धड़धड़ा के गिरा दो, 2 क्विंटल बम, 2 क्विंटल तो बहुत कम बम बोले हैं, सबसे कम बम गिरता है तो 10 क्विंटल, 10 क्विंटल से नीचे बम कौन सी गिराएगा, उसको चिटपुटिया बोला जाएगा, अरे 1 क्विंटल का तो उसका खोखलवा होता है, आपको कौन सी प्लास्टिक में रखता है, अरे 2-4 क्विंटल बम ना गिराए तो बम कौन सी हो, 2-4 क्विंटल में क्या होना है, टन में बम गिराया जाता है, टन में 5 टन 6 टन ऐसे बम गिराया जाता है यहाँ पे, तो आप कौन जी के 2 क्विंटल 3 क्विंटल बम से किसको क्या दिक्कत होता है, दिल्ली युद्ध हो जाता, नहीं हो जाता युद्ध, आगे बढ़े। तो बताइए सीडीएस का पद रख दिया, सीडीएस के ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, इनके ऊपर
राष्ट्रपति है, समझा गया कि नहीं आ गया, रक्षा मंत्री राष्ट्रपति, सुरक्षा सलाहकार भी यहीं आ जाते हैं, आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बट ये जो होते हैं ना NSA, ये PM को संभालते हैं, ये PM हो गए, और PM और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये इन दिनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी इन लोग को अगर प्रधानमंत्री तक जाना है तो बीच में एक बैरियर है, कौन, नेशनल सिक्योरिटी, अभी अजीत डोभाल साहब है, तो आर्मी को इस तरह से डिजाइन किया गया। अब चूंकि हम लोग नए नए लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ अगर तख्ता पलट हो गया तो संभलते संभलते हालत खराब हो जाएगा।